सब्सक्राइब कीजिए ऑटोमोटिव चैनल को और उस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, 2020 डैटसन रेडिगो फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुकी है। प्राइसिंग स्टार्ट होती है 2.83 लाख से और टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 4.77 लाख से। चलिए बताते हैं कि इस वेरिएंट का कितना प्राइसिंग और इंजन ऑप्शन है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेस वेरिएंट डी से, जिसकी प्राइसिंग है 2.83 लाख। ए वेरिएंट की प्राइसिंग है 3.58 लाख। टी वेरिएंट की प्राइसिंग है 3.80 लाख और टी ऑप्शनल वेरिएंट की प्राइसिंग है 4.16 लाख। अभी तक हमने जितना वेरिएंट बताया वो सब 800 सीसी में आती है। अब नेक्स्ट आपका जो टी ऑप्शनल वेरिएंट है वो 1 लीटर में भी आता है, जिसकी प्राइसिंग है 4.44 लाख। और जो डैटसन रेडिगो टी ऑप्शनल वेरिएंट है स्मार्ट ड्राइव, वो आता है 4.77 लाख के साथ ही ऑटोमेटिक वेरिएंट है। काफ़ी अच्छी प्राइसिंग, ऑनेस्ट प्राइसिंग हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंजन की, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन की। तो जो 0.8 लीटर इंजन है वो 54 PS निकालता है और 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। वहीं आपको 1 लीटर जो इंजन है वो 68 PS निकालती है और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड रखा गया, जो काफ़ी अच्छी बात है। इंटीरियर्स वगैरह तो देख सकते हैं, यहाँ आपको नया L-shaped DRLs देखने को मिल जाता है। LED फॉग लैम्प्स, डैटसन इम्ब्लेम फिटेड अबव साइड देखने को आपको मिल जाता है। C-shaped LED टेल लैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा और काफ़ी टॉल लग रही है, टॉल पिलर्स का इस्तेमाल किया गया। इनसाइड में आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग और सिल्वर बेजल्स के साथ। डुअल टोन इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिलता है। इंटरनल एडजस्टेबल मिरर्स देखने को मिलते हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर और कैमरा देखने को मिल जाता है। नया डैशबोर्ड और कंट्रोल से डुअल एयरबैग्स, ABS, फैब्रिक फिटेड फ्रंट डोर्स देखने को मिलते हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वॉइस रिकॉग्निशन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। 6 कलर्स ऑप्शंस में अवेलेबल है, विविड ब्लू, रूबी रेड, सैंडस्टॉर्म ब्राउन, ब्रॉन्ज ग्रे, क्रिस्टल सिल्वर और ओपल वाइट। डायमेंशन की बात करें तो 3435 mm इसकी लेंथ है। विड्थ आपकी 1574 mm है और आपकी जो हाइट है 1546 mm। साथ में 2348 mm का आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 187 mm का देखने को मिलता है। चलिए अब बूट स्पेस की बात करते हैं तो 2 लीटर का आपको देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इसको कोशिश करेंगे टेस्ट ड्राइव वगैरह करने का। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।